नमस्कार, मैं हूं देवांशी मित्र। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख के पैंगोंग झील में चीनी घुसपैठ का मामला फिर सामने आया। चीनी सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग लेक में घुसपैठ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इन चीनी सैनिकों की संख्या करीब 500 थी, जिन्हें भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया। पैंगोंग झील से खदेड़े जाने के बाद चीनी सेना ने बॉर्डर के पास लद्दाख के ऊपर अपने चेंगडू J-20 फाइटर जेट को उड़ाया था। चालबाज चीन के किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार। राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट एक इशारे में चीन के पसीने छुड़ाने के लिए रेडी। लद्दाख के पास फाइटर जेट उड़ाने की गुस्ताखी करने वाला चीन शायद ये भूल गया है कि भारत के पास राफेल जैसा पावरफुल फाइटर जेट है। अगर चीन के चेंगडू J-20 और भारत के राफेल की तुलना करें तो पता चलेगा कि राफेल चीनी चेंगडू से कहीं आगे। राफेल में दो स्नेकमा M88 इंजन है जो 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। चेंगडू J-20 में शेनयांग WS-10B इंजन लगा है जो 145 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। राफेल के इंजन का थ्रस्ट उसे मैन्यूवरिंग करने में आसानी प्रदान करता है, क्योंकि इंजन के पावर का नियंत्रण करना आसान होता है। राफेल सुपीरियर कॉम्बैट में चेंगडू J-20 से बेहतरीन, क्योंकि राफेल का आकार उसे आसमान में नजदीकी युद्ध में मदद करता है, जबकि चेंगडू J-20 का शेप और साइज इसे नजदीकी युद्ध में थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती, इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच, जबकि राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीनी J-20 का मेन रोल स्टेल्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है। राफेल को निगरानी के अलावा सोटीज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल की सर्विस सीलिंग 15,235 मीटर है, जबकि चेंगडू J-20 की 20,000 मीटर। राफेल की अधिकतम गति 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि चेंगडू J-20 जेट 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन का J-20 विमान राफेल के मुकाबले भारी। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन कैरी कर सकता है, वहीं J-20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो वजन ले जा सकता है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो J-20 से कहीं ज्यादा। J-20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4-4 मिसाइल ले जा सकते हैं। दोनों की टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा। गौरतलब है कि राफेल को भारत के जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया, जो इसे चीनी J-20 पर थोड़ी बढ़त देता है।